दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान किसे कहते हैं, कंप्यूटर साइंस का महत्व क्या है और कंप्यूटर साइंस कैसे करें। इसके अलावा उन सभी सवालों के जवाब जो कि कंप्यूटर साइंस से संबंधित हैं और आप कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर, अपना करियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर साइंस क्या है ये सवाल हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जो कि इसे सीखने की इच्छा रखते हैं। और सबसे कॉमन सवाल जो होता है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम करते हैं तो सैलरी कितनी मिल सकती है। दोस्तों कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने का विज्ञान है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगी। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम सिस्टम, एल्गोरिदम, थ्योरी, लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे विषय जो इसके अंदर शामिल होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर की बात ही होती है, बल्कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की स्टडी करके कुछ ऐसा डेवलप किया जाता है जिससे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। और इसलिए इसका दूसरा नाम इन्फॉर्मेटिक्स भी है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के बारे में स्टडी करते हैं तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना सीख सकते हैं और कंप्यूटर पे जो भी काम होता है यानी कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके ही करता है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर इस फील्ड में दिलचस्पी है तो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस आखिर होता क्या है। दोस्तों कंप्यूटर साइंस जिसे आमतौर पर CS कहा जाता है, कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल सिस्टम का अध्ययन है जिसके अंदर की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी की जाती है। कंप्यूटर विज्ञान उन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी होता है जो डेटा के साथ हम इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करते हैं, जिसमें डेटा को प्रोग्राम की फॉर्म में दर्शाया जाता है। ये सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये संगणना और सूचना यानी कि कंप्यूटेशन और इन्फॉर्मेशन का अध्ययन भी है। और इसलिए जो है कंप्यूटर साइंस को अक्सर गणना विज्ञान यानी कि कंप्यूटेशन साइंस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर साइंस में होता क्या है? दोस्तों असल में कंप्यूटर विज्ञान की मदद से ही हम उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर पाते हैं जिसके चलते डिजिटल इन्फॉर्मेशन के साथ हेर फेर, संचार और उसे स्टोर कर पाना संभव हो सका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर विज्ञान का सबसे बड़ा पहलू समस्याओं का समाधान निकालना है। कंप्यूटर साइंस की मदद से हम बिजनेस, साइंटिफिक और यहाँ तक कि सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बिजनेस के क्षेत्र में हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अपने सेल और मुनाफे का हिसाब किताब रख सकें, और ये कंप्यूटर साइंस की मदद से ही संभव हो पाया। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान के भीतर अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूटर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क, डेटाबेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, न्यूमेरिक एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विजन एंड ग्राफिक्स और कंप्यूटर थ्योरी जैसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहते हैं। वो कंप्यूटर के द्वारा नई चीज़ें करवाने या फिर कामों को ज़्यादा अच्छे से पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी डेवलप करते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि कई चीज़ें की जा सकती हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में आखिर करियर कैसे बना सकते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान में करियर को लेकर अगर आप उलझन में, तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है, मतलब कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर के थियोरेटिकल साइड में जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और वहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस के व्यावहारिक भाग यानी कि प्रैक्टिकल को पसंद करते हैं तो आप कंप्यूटर डेवलपमेंट के क्षेत्र में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर करियर की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि रिसर्च होता रहता है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अब हम लोग उन फील्ड्स के बारे में जानते हैं जिसमें कि आप अपना करियर बना सकते हैं। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का सैद्धांतिक भाग। दोस्तों ये अक्सर हाईली मैथमेटिकल होता है, इसे हम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का सबसेट यानी कि कम्बिनेशन कह सकते हैं, जो कंप्यूटिंग के ज़्यादा मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स पर केंद्रित है। कंप्यूटर विज्ञान के इस क्षेत्र में कई विषय को शामिल किया जाता है, और दोस्तों इनके नाम मैं आपको अभी अंग्रेजी में बताऊंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी है तो बेसिक अंग्रेजी आना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं: डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्रोबेबिलिस्टिक कंप्यूटेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटेशनल नंबर्स। इस फील्ड का काम यानी कि थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिकल टेक्निक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब आता है हार्डवेयर। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान का ये क्षेत्र कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलपमेंट के बारे में, और हार्डवेयर के बारे में मैंने जैसा आपको बताया था कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया या फिर कीबोर्ड, तो इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के विकास से संबंधित सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर सिस्टम और उनके कंपोनेंट्स के बारे में रिसर्च, उनका डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्ट प्रोसीजर्स करते हैं।
तो दोस्तों ये था हार्डवेयर और अब आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसमें यूजर्स की जरूरतों का एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने की प्रक्रिया शामिल होती है। और ये सब जो है अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किया जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे। दोस्तों नेटवर्किंग, कंप्यूटर विज्ञान का ये जो क्षेत्र है इसमें नेटवर्क से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है। मतलब नेटवर्किंग के कई प्रकार के प्रैक्टिकल टॉपिक शामिल होते हैं, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने के लिए डेटा को संचारित करना और बेहतर प्रोटोकॉल बनाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंदर आपको कई तरह के प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में पढ़ना होता है, जिससे कि आप एक नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, C++, PHP, जावा, इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होता है। इसके अलावा प्रोग्रामर जो हैं वो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को टेस्ट करने के साथ साथ उसमें मौजूद एरर्स को भी ठीक करते हैं। दोस्तों अभी जिस क्षेत्र के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी दिलचस्प है, और वो है ग्राफिक्स। आजकल ये क्षेत्र एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और इसमें डेटा विजुअलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है, जिससे कि कम्प्लेक्स डेटा को समझना और एनालाइज करना आसान हो जाता है। अगर आपको ग्राफिकल 3D दुनिया पसंद है तो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी जितना मैंने आपको बताया वो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र हैं जिसमें कि आप अपना करियर बना सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस कोर्सेज आपको इस क्षेत्र के बारे में गाइड करते हैं। ये कोर्सेज पूरी दुनिया भर में कराए जाते हैं। आप इन्हें या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर पूरा कर सकते हैं। तो कोर्सेज कौन कौन से हैं? डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कंप्यूटर साइंस कोर्स है। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन यानी कि समय सीमा 3 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। अगर एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। इसकी समय सीमा लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। इसमें अलग अलग लेवल के कोर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपकी योग्यता भी अलग अलग मांगी जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेट कोर्स एक छोटी समय सीमा का कोर्स है। इस कोर्स की समय सीमा लगभग 1 साल से लेकर 2 साल तक की होती है, और योग्यता की बात करें तो ये कोर्स के लेवल पर डिपेंड करता है। वैसे इसकी शुरुआत 10+2 से की जा सकती है। दोस्तों भारत में कई सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जहाँ की आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे तो पाठ्यक्रम यानी कि कोर्सेज थे, अब हम लोग देखेंगे कि मेनली कौन कौन से कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इन कोर्सेज में पढ़ने को मिल सकते हैं। तो एल्गोरिदम, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ई कॉमर्स, बिग डेटा या एनालिटिक्स, मैथ फॉर कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ग्राफिक्स एंड ऑडियो डिज़ाइन। तो दोस्तों ये सारे जो थे सब्जेक्ट्स के नाम हैं। तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जॉब्स और सैलरी कैसे हैं? दोस्तों कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नौकरियों की कोई भी कमी नहीं है। अगर आप बताए गए उन सारे कोर्स के माध्यम से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी सारी नौकरियां इसमें अवेलेबल हैं। और सैलरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसका कोई भी एक अनुमान नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी योग्यता और कंपनी किस लेवल की है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आपकी मंथली सैलरी लाखों में हो सकती है, लेकिन अगर आप एक एवरेज कॉलेज से हैं तो आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की हो सकती है। और अगर आप एक अच्छे स्तर की जॉब पाते हैं तो ये नंबर कई अधिक बढ़ भी सकता है। इसके अलावा जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी, यानी सैलरी और भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा सैलरी। तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस क्या है, किसे कहते हैं और इसके संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी मुझे ऐसा लगता है कि वो अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जहां कुछ समझ में ना आया तो उसे ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।